सरकारला विरोध करणाऱ्यांना जेलमध्ये घातलं जात असून ही हुकुमशाही व्यवस्था असल्याची टीका माजी खासदार सीताराम येचुरी यांनी केली आहे. शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील माकपचे उमेदवार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या प्रचारार्थ माजी खासदार सीताराम येचुरी सोलापुरात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना येचुरी म्हणाले की भाजप सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळं आर्थिक मंदी निर्माण झाली असून सर्वच क्षेत्रात नोकऱ्यांची कपात होत आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. एक आर्थिक मंदी की व्यवस्था पैदा हुई, बड़े पैमाने पर कारखाने बंद हो रहे हैं. आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही अनुमान यह है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की छटनी हुई, 20 लाख. और आपके कपड़े यानी टेक्सटाइल के सेक्टर में 30 लाख से ज्यादा लोगों की छटनी हुई. बेरोजगारी बढ़ रही है और सरकार के आंकड़े ही बता देते हैं पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है. नोटबंदी के और जीएसटी के चलते हुए जो छोटा मोटा धंधा करके जिंदा रहता था वो भी उसका भी जिंदगी जो है बर्बाद है. और मंदी के चलते हुए कारखाने बंद हो रहे. भाजप सरकारला विरोध करणाऱ्यांना जेल मध्ये घातलं जात असून ही हुकुमशाही व्यवस्था गंभीर असल्याचं सीताराम येचुरी यांनी स्पष्ट केलं. पहिले उसको आणानी चाहिए था या उसको हटाना जरूरी है, उसके अंदर कोई दोरा नहीं है. लेकिन उसका उस सवाल को इस्तेमाल करते हुए बाकी लोगों के ऊपर जो है उनके ऊपर एक परेशानियां फैलाना और उसके आधार पर तनाव फैलाकर एक तनाव की और एक हिंसा की और एक नफरत का वातावरण जो पैराना, ये जो है हमारे देश के हित में नहीं है. इस तरीके की बातें हम देख रहे हैं, सब पहलू में बढ़ रहे हैं. अब कानून बदल दिया ये कहते हुए कि कोई व्यक्ति अब आतंकवाद हो सकता है. अब ये कौन तय करेगा आतंकवाद है या नहीं, सरकार की मानना कि हम बताएंगे, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे. या प्रसंगी उमेदवार नरसय्या आडम मास्तर, MH शेख, सिद्धप्पा कलशेट्टी यांची उपस्थिती होती. दरम्यान अपक्ष उमेदवार सचिन मस्के यांनी आडम मास्तरांना जाहीर पाठिंबा दिला. 1949 मतदारसंघामध्ये मी अपक्ष फॉर्म भरला होता व मी आडम मास्तर सरांना पूर्णपणे माझा पाठिंबा जाहीर करतोय व माझी उमेदवारी मी मागे घेतोय.